हेलो फ्रेंड्स, मेरी भोजनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी मिठाई बनाने जा रहे हैं जो कि होगी सॉफ्ट, स्पॉन्जी और शाइनी। इसको बनाने में हम ना ही मैदा, बेसन, सूजी और ना ही आटे का यूज करेंगे। हम इसे कस्टर्ड से बनाएंगे और ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनकर के तैयार होगी। और इसे बनाने में मात्र 10 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए कस्टर्ड हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो कस्टर्ड हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गैस चालू करके पैन रख देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी को हल्का सा मेल्ट होने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दरदरे कुटे हुए काजू और इसे हम इस तरह से मिक्स करते हुए इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए मैंने इसे भून लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप कस्टर्ड पाउडर, आधा कप चीनी, ये मैंने मेजरमेंट कप से लिया हुआ है, और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी। जिस कप से मैंने कस्टर्ड लिया है उसी कप से मैंने चीनी ली है और उसी कप से मैं यहाँ पर 3 कप पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करते हुए हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसे हमें लगातार चलाना है। ये देखिए कुछ सेकंड में यह हलवा अब हमारा गाढ़ा होता दिखाई दे रहा है। इसे हम कुछ देर और चलाएंगे इसी तरह से। ये देखिए हलवा हमारा अच्छा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें 1 पिंच ऑरेंज फ्रूट कलर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और फिर से हम इसे अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए हलवा हमारा ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। तो ये हलवा हमारा बनकर के तैयार है। तो अब हम इसमें लास्ट में इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने इसे मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे ली है, ट्रे को मैंने घी से ग्रीस करके रखा हुआ है। तो हम हलवे को इसमें डाल देते हैं, इसे सेट कर देंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इस ट्रे को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और अब हमने ये हलवे के ट्रे को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। हलवा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम हलवे के पीस निकालेंगे। तो इस तरह से पहले हम इसमें निशान लगा देते हैं। तो पीस आप अपने पसंद के अनुसार थोड़े छोटे या बड़े रख सकते हैं। और अब हम इसे प्लेट में सर्व करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा हलवा बन करके तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और शाइनी हलवा बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।